आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पैची बियर्ड को मैनेज कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले भाई आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पैची बियर्ड आपकी किस तरह की है, क्योंकि जो पैची बियर्ड होती है ना वो दो तरह की होती है। पहली वाली तो भाई मेरी, कि जो कि यहाँ नीचे नीचे बाल होते हैं नेक पर और ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं। और दूसरी तरह की जो पैची बियर्ड होती है वो भाई आपके ऊपर तक तो आती है पर वो पूरी फुलर नहीं होती है, मतलब कि कहीं कहीं पर बाल होते हैं कहीं कहीं पर नहीं होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खराब दिखती है। तो अगर आप लोगों की बियर्ड है जो कि पूरी आती है पर वो पूरी तरह से फिल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको पहले देखना है कि आपके बाल कहां के बाल आते हैं और कहां के बाल नहीं आते। तो आपको करना क्या है ना, जो आपके बड़े वाले बाल है ना उनको आपको कट करना है और जो छोटे वाले बाल है उनके बराबर में ला देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो बियर्ड है वो पूरी तरह से इवन में हो जाएगी, क्योंकि छोटे वाले बाल है वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं और जो बड़े वाले बाल है उनकी वजह से वो एकदम से खराब दिख रही है, क्योंकि कहीं कहीं पर ज्यादा बाल हो रहे हैं और कहीं कहीं पर कम बाल हो रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, बस आपको बड़े वाले बालों को कट कर लेना। अब आपको उन्हें कट कर सकते हैं भाई ट्रिमर से या फिर कैंची से, और आप अपनी बियर्ड को एकदम से क्लीन रखें, मतलब कि कट वगैरह लगा कर रखें, और जो आपके नेक के बाल होते हैं आप उन्हें बना कर रखें और ऊपर से भी एकदम से शेप में रखें, प्रॉपर शेप में रखें, तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब बात कर लेते हैं भाई जिनकी मेरी तरह बियर्ड है, मतलब कि जो नीचे नीचे आती है ऊपर आती ही नहीं है, ये वाली बियर्ड के लिए भाई सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ना कि आप क्लीन शेप रखें, मतलब कि यहां के बाल भी एकदम क्लीन रखें और आपकी जो मूंछ है उसको भी क्लीन रखें। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्लीन क्यों नहीं रखता, तो भाई क्लीन शेप ना हर किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता, तो पहले आप क्लीन शेप करा कर रखें, अगर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसे ही रखें, ठीक है। और अगर आपके ऊपर क्लीन शेप अच्छा नहीं लगता, तो यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर क्लीन शेप भी अच्छा नहीं लगता और आपकी पैची बियर्ड है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। आज मैं आपको अपनी बियर्ड को ट्रिम करके दिखाने वाला हूं आपके सामने कि जो पैची बियर्ड होती है आपको उसे किस तरह से ट्रिम करना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं भाई कि आपको अपने बियर्ड को ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मशीन लेनी है, ठीक है। अभी मैं जो मशीन यूज कर रहा हूं वो भाई स्कते की है, ये मैंने अमेज़न से अभी परचेस करी है, ठीक है। तो आपको ना इसको एक नंबर पे कर लेना है, जो सबसे छोटी वाली होगी ना आपको उस पर कर लेना। अब ये वाले बालों को क्लीन करने के बाद में आपको इसमें एक नंबर वाली ब्लेड को लगा लेना है, ठीक है। और फिर जो आपके सारे जो पैची बियर्ड है इनको आपको निकाल देना है। आप देख सकते हैं भाई जो यहाँ के बाल हैं वो थोड़े से ज्यादा बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो ये वाले बाल, अब इनके लिए ना आपको इसे फिर से जीरो पे करना है इस मशीन को, और जो ये वाले बाल है ना आपको इन्हें भी निकाल देना है, ठीक है। बस सिर्फ ये नीचे के हैं इनको आपको रखे रहना, और फिर ये कलम जो है ना आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। आपको कितनी लंबी रखनी है ये आप रख लें, और बाकी जो नीचे के बाल है इनको आप जीरो मशीन से ट्रिम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी बियर्ड को क्लीन कर लिया है, ठीक है। और नीचे की आपको यहाँ पर इस बियर्ड को ऐसे ही रखना है, ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे। अभी आप देखिए कि जो मेरी मूछ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी दिख रही है, क्योंकि बियर्ड मैंने यहाँ पर एकदम से हटा दिया है। तो अब इसके लिए आपको अपनी मशीन में फिर से एक नंबर की मशीन को लगाना है, और फिर जो आपकी ये मूछ है इनको भी आपको हल्का हल्का सा कट कर देना। अब आप देख सकते हैं आप यहाँ पर एक नंबर भी लगा सकते हैं या फिर आप दो नंबर भी लगा, ये ज्यादा छोटी ना हो जाए वरना वो बहुत ज्यादा खराब दिखेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी जो बियर्ड है वो एकदम मूछ के इवन में हो गई है, कोई भी ज्यादा या कम नहीं लग रही है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको मेरा आज वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी कर लेना।